हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्नल एंड सिस्टम में सिंक और सैम्पलिंग फंक्शन के बारे में। फ्रिक्वेंटली आपने ये टर्म सुने होंगे सिग्नल एंड सिस्टम में यूज होते हुए, सिंक फंक्शन और सैम्पलिंग फंक्शन। ये फंक्शंस क्या होते हैं, इनका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं, कहाँ इसका यूज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वैसे तो ये एकदम बेसिक टॉपिक है, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है सिंक फंक्शन में और सैम्पलिंग फंक्शन में, कैसे हम इसके ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो उसी के लिए हम इस वीडियो में आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके प्रीवियस में कुछ इसी तरह के टॉपिक पे मैंने और भी वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप ये आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोज भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर एक रेक्टेंगल फंक्शन के फोरियर ट्रांसफॉर्म की। एक रेक्टेंगल फंक्शन है टाइम डोमेन में, उसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं और उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, और उसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिंक फंक्शन और सैम्पलिंग फंक्शन के बारे में, और इनमें क्या डिफरेंस होता है वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम इसका एक कंक्लूजन भी निकालेंगे। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, तब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रेक्टेंगल फंक्शन, फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका बेसिकली क्या करता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इज यूज टू फाइंड द फ्रिक्वेंसी कंटेंट बाई द गिवन टाइम डोमेन सिग्नल। कोई भी सिग्नल आपका टाइम डोमेन में है, उसको हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि टाइम डोमेन में आपके पास सिग्नल है एक्स ऑफ टी, टी आपका यहाँ पर डिनोट करता है टाइम डोमेन को, उसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रिक्वेंसी डोमेन में एक्स ऑफ एफ। टाइम डोमेन को फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करके काफ़ी सारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो ईजी हो जाती हैं, इसलिए हम टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रिक्वेंसी डोमेन में और फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल को टाइम डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। तो किस तरीके से फोरियर ट्रांसफॉर्म फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेगा इस टाइम डोमेन सिग्नल को, ये हो जाएगा आपका एक्स ऑफ एफ इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी, जो कि आपका टाइम डोमेन का सिग्नल है, इनटू e टू द पावर माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी। ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में हम एक्स ऑफ टी सिग्नल, एक्स ऑफ टी हमें एक रेक्टेंगल सिग्नल गिवन है, इसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है और इसको प्लॉट करना है, इसका फ्रिक्वेंसी डोमेन कैरेक्टरिस्टिक। तो एक्स ऑफ टी आपका अगर सिग्नल है, इसकी जो विड्थ है वो है माइनस टाउ बाई टू से लेके प्लस टाउ बाई टू तक, ये एक्सेस आपकी टाइम एक्सेस है और ए इसका एम्पलीट्यूड है। तो एक्स ऑफ एफ आपका हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी e टू दी पावर माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी। अब यहाँ पर देखिए, जो टाइम डोमेन में सिग्नल है रेक्टेंगल सिग्नल, इसकी लिमिट है माइनस टाउ बाई टू से लेके प्लस टाउ बाई टू तक, तो इसकी लिमिट हो जाएगी माइनस टाउ बाई टू से लेके प्लस टाउ बाई टू तक, और एक्स ऑफ टी में जो एम्पलीट्यूड है ए, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटू e टू दी पावर माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका a हमने यहाँ पे बाहर निकाला है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका e टू दी पावर माइनस जे टू पाई एफ टी एज इट इज फंक्शन और डिवाइडेड बाई माइनस जे टू पाई एफ, और लिमिट हो जाएगी माइनस टाउ बाई टू से लेके प्लस टाउ बाई टू तक। अब इसमें ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये हमने बाहर निकाला है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस a, ये माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई जे टू पाई एफ, जे टू पाई एफ, और ब्रैकेट के अंदर होगा आपका e टू दी पावर माइनस जे टू पाई एफ और t। अब t में हम ये लिमिट पुट करेंगे, ये है आपकी अपर लिमिट और ये है लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह पे हमने t बाई टू यहाँ पे पुट किया हुआ है और t की जगह पे माइनस टाउ बाई टू यहाँ पे पुट किया है। तो इसको हम फर्दर और सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखिए ये टू से ये टू आप कैंसिल कर सकते हैं, ये टू से ये टू कैंसिल कर सकते हैं, और e टू दी पावर ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो इस माइनस को हम यहाँ पे अंदर एडजस्ट कर देते हैं, ये जो वैल्यू है ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी और ये वैल्यू है ये माइनस में हो जाएगी, क्योंकि इस माइनस का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर जे पाई एफ टाउ, क्योंकि माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये है e टू दी पावर माइनस जे पाई एफ टाउ डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो जे टू पाई एफ, इसमें से हम टू जे का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा।
क्योंकि इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, जैसे e टू द पावर जे थीटा है उसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस जे साइन थीटा, और e टू द पावर माइनस जे थीटा है उसको हम लिख सकते हैं cos थीटा माइनस जे साइन थीटा। अब इक्वेशन वन और टू ये हमारे पास है, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया है वन में से टू को, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू e टू द पावर जे थीटा माइनस e टू द पावर माइनस जे थीटा डिवाइड बाई टू जे। तो यही हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए e टू द पावर जे थीटा, अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी पाई एफ टाउ, ये देखिए e टू द पावर माइनस जे थीटा, तो थीटा की जगह पे हो जाएगा पाई एफ टाउ, तो ये फंक्शन इक्वल हो जाता है आपका साइन थीटा के। तो ये पूरा फंक्शन आपका इक्वल हो जाएगा साइन, और थीटा की जगह पे आपका कितना है पाई एफ टाउ, तो इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे तो प्लस हो गया था ये, तो ए डिवाइड बाई पाई एफ साइन पाई एफ टाउ। अब यहाँ पे यूज होगा आपका सिंक फंक्शन और सैम्पलिंग फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट, वो किस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टाउ का मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा आपका ए टाउ और नीचे हो जाएगा पाई एफ इंटू टाउ, तो ये पाई एफ इंटू टाउ। अब ये जो आपका टोटल फंक्शन है डॉटेड लाइन के अंदर जो है, इसको हम बोलते हैं सिंक एफ ऑफ टाउ, ये फंक्शन हो जाता है आपका सिंक फंक्शन, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए टाउ सिंक एफ ऑफ टाउ, ये हो जाएगा आपके एक रेक्टेंगल सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब ये सिंक फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और किस तरीके से ये डिफरेंट है सैम्पलिंग फंक्शन से, ये हम यहाँ पे अलग से डिस्कस करेंगे, और फिर इस फोरियर ट्रांसफॉर्म के ग्राफ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम समझ लेते हैं इसको हमने सिंक में कैसे कन्वर्ट किया है ये चीज। तो सिंक फंक्शन आपका होता है सिंक ऑफ एक्स, अगर कोई फंक्शन है आपके पास तो उसको हम लिख सकते हैं साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई एक्स, मतलब सिंक के साथ यहाँ पे अगर कोई भी फंक्शन है तो उसको हम लिख सकते हैं साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई एक्स। सिंक को हम सिंक इसलिए बोलते हैं, सिंक का जो फुल फॉर्म है वो है साइन कार्डिनल फंक्शन, और ये एक नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है, सैम्पलिंग फंक्शन का एक नॉर्मलाइज्ड वर्जन है सिंक फंक्शन। और सिंक फंक्शन की अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट होता है। अब इसका ग्राफ हमने कैसे प्लॉट किया है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिंक ऑफ एक्स का ग्राफ है, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज हैं, तो ये किस तरीके से यहाँ पे प्लॉट होगा, जब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू हम इसमें जब जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास साइन पाई एक्स, यानी साइन जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, तो ये एक अनडिफाइंड फंक्शन है, तो इसमें हम अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल आपका इसमें जब अप्लाई होगा तो न्यूमरेटर का आपका डिफरेंशिएशन होगा एक और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो डिवाइड बाई जीरो है, इसलिए एल हॉस्पिटल रूल से ये हो जाएगा आपका साइन पाई एक्स न्यूमरेटर में साइन पाई एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस पाई एक्स इंटू पाई आपका बाहर आ जाएगा पाई इंटू कॉस पाई एक्स, और नीचे पाई एक्स का हो जाएगा केवल पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये फंक्शन आपके पास बचेगा कॉस पाई एक्स। अब कॉस पाई एक्स में आप देखिए जब जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस जीरो, और कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है वो होती है वन, तो इस फंक्शन में जो सिंक फंक्शन था उसमें अगर हम जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो पे उसकी वैल्यू आएगी वन। तो ये तो बात हुई जीरो की, तो जीरो के बाद जब हमने एक्स की जगह पे यहाँ पे वन पुट किया है तो ये फंक्शन आपका हो जाएगा साइन पाई एक्स, तो ये बचेगा साइन पाई डिवाइडेड बाई पाई एक्स, तो एक्स वन है डिवाइड बाई पाई। अब साइन पाई की जो वैल्यू है वो होती है कितनी जीरो, तो जीरो डिवाइडेड पाई पाई यानी जीरो, तो वन पे इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। वैसे ही जब आप इसमें टू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास साइन टू पाई डिवाइडेड बाई टू पाई, और साइन टू पाई की वैल्यू भी होगी जीरो डिवाइडेड बाई टू पाई, तो ये वैल्यू हो जाएगी टू जब हमने रखा है तो जीरो। तो इसी तरीके से जब हम एक्स की इंटीजर वैल्यू यहाँ पर रखते जाएंगे वन टू थ्री फोर, तो ये जो वैल्यूज हैं सिंक फंक्शन की ये हो जाएगी जीरो, और सिंक फंक्शन में जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका एम्पलीट्यूड भी डिके होता जाएगा, जैसे जैसे हम यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी धीरे धीरे डिके होता जाएगा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। तो
तो ये तो बात हुई आपके सिंक फंक्शन की। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है, सिंक फंक्शन में जीरो पे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा वन। अब डिफरेंस क्या है सैम्पलिंग फंक्शन और सिंक फंक्शन में। सैम्पलिंग फंक्शन को हम लिखते हैं यहाँ पे सैम्पल ऑफ टी, अगर कोई फंक्शन है तो उसको हम लिखेंगे साइन टी डिवाइड बाई टी। डिफरेंस इसमें यह है कि अगर सिंक ऑफ एक्स है तो उसको साइन पाई एक्स डिवाइड बाई पाई एक्स, इसमें एक्स्ट्रा पाई है और इसमें केवल साइन टी डिवाइड बाई टी है। तो ये एक अननॉर्मलाइज्ड फंक्शन है, अननॉर्मलाइज्ड फंक्शन है और इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो सेम प्लॉट होगा इसके जैसे ही, लेकिन इसकी जो एक्सेस है वो यहाँ पे चेंज होती जाएगी। यहाँ पर टी की वैल्यू हम रखेंगे सबसे पहले जीरो, फिर प्लस माइनस पाई, फिर प्लस माइनस टू पाई, प्लस माइनस थ्री पाई, इस तरीके से ये एक्सेस में इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो सिंक फंक्शन में जो एक्स की वैल्यू थी वो एक इंटीजर वैल्यू थी 1, 2, 3, 4, और सैम्पलिंग फंक्शन में जो वैल्यू है एक्स की वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है। तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले जीरो, तो ये हो जाएगा साइन जीरो डिवाइडेड बाई जीरो। तो फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे आप इसमें, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस टी डिवाइडेड बाई टी का हो जाएगा वन, और यहाँ पे जब आप जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वन। तो जीरो पे इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा वन, और टी की वैल्यू जब हमने रखी है प्लस माइनस पाई यानी पाई, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन पाई डिवाइडेड बाई पाई, और साइन पाई की जो वैल्यू है वो होगी कितनी जीरो। तो जीरो डिवाइड बाई पाई यानी जीरो। तो पाई जब हमने वैल्यू रखी है तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, और वैसे ही हम इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यू इसमें जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू जीरो मिलेगी टू पाई पे और थ्री पाई पे। सॉरी ये टी हमने यहाँ पे लिया हुआ है, एक्स एक्सिस नहीं है। तो ये हुआ आपका सैम्पलिंग फंक्शन और सिंक फंक्शन। डिफरेंस इसमें बस ये है कि यहाँ पे साइन पाई एक्स डिवाइड बाई पाई एक्स है, और जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये होगा एक्स में और एक्स की इंटीजर वैल्यूज होंगी, और सैम्पलिंग फंक्शन में क्या होगा पाई के मल्टीपल ऑफ इंटीजर वैल्यू होंगे और फंक्शन होगा साइन टी डिवाइड बाई टी। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। अब इसमें अगर हम एक रिलेशन की बात करें तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सिंक एक्स को हम लिख सकते हैं सैम्पल ऑफ पाई एक्स, और इन दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई एक्स, क्योंकि सैम्पल ऑफ टी को हम लिखते हैं साइन टी डिवाइड बाई टी, तो सैम्पल ऑफ पाई एक्स को लिखेंगे साइन पाई एक्स डिवाइड बाई पाई एक्स, और सिंक एक्स को हम जनरली लिखते ही हैं साइन पाई एक्स डिवाइड बाई पाई एक्स। तो ये हो जाएगा इनके बीच में रिलेशन। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है सिंक और सैम्पलिंग फंक्शन के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो रेक्टेंगुलर फंक्शन का हमने यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला हुआ था उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन था रेक्टेंगुलर पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म ए टाउ सिंक एफ ऑफ टाउ, तो हमने अभी सिंक एक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो सिंक एफ टाउ को हम लिख सकते हैं साइन पाई के बस मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई एफ टाउ डिवाइडेड बाई पाई एफ टाउ, इसलिए हमने इसको यहाँ पर सिंक एफ टाउ लिखा हुआ था। अब इसका हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, जब हमारे पास सिंक ऑफ एक्स था तो इसकी वैल्यू थी साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई एक्स, और एक्स की वैल्यू हम इसमें रखते हैं जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, और हमें ग्राफ मिलता है कुछ इस तरीके से वैल्यूज वन टू और थ्री पे। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे है एफ ऑफ टाउ, तो एफ ऑफ टाउ में हम वैल्यू पुट करेंगे जीरो, इंटीजर्स वैल्यू पुट करेंगे सारी वन टू और थ्री, तो एफ ऑफ टाउ ये वैल्यूज हैं, और हमें ड्रॉ करनी है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी एक्सिस में। तो ये हो जाएगी आपकी एफ इक्वल टू जीरो, वन की जगह पे वन अपॉन टाउ, टू की जगह पे प्लस माइनस टू अपॉन टाउ, प्लस माइनस थ्री अपॉन टाउ, इस तरीके से ये इंक्रीज होती जाएगी, और आपका जो फाइनली ग्राफ मिलेगा वो मिलेगा हमें कुछ इस तरीके से। जीरो पे जो वैल्यू है वो मिलेगी हमें ए टाउ, जो कि इसका मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू चेक करना चाहें एफ इक्वल टू जीरो पे, तो ये हो जाएगा आपका साइन जीरो की वैल्यू जीरो डिवाइड बाई जीरो। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये बचेगा आपके पास साइन पाई एफ टाउ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस पाई एफ टाउ, और पाई टाउ आपका बाहर आ जाएगा ये, क्योंकि पाई एफ टाउ का एक बार और आप डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे बचेगा आपके पास पाई टाउ, तो पाई टाउ से पाई टाउ कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपके पास कॉस पाई एफ टाउ।
अब f इक्वल टू जब आप 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये पूरा फंक्शन जो है ये हो जाएगा 1 और मैग्नीट्यूड बचेगा a tau, तो a tau इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0 पे, और बाकी फिर आप जैसे जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इस तरीके से ये ग्राफ मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, रेक्टेंगल फंक्शन को हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म से किस तरीके से फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया हुआ है, और सिंक और सैम्पलिंग फंक्शन आपके क्या होते हैं, उनमें बेसिक्स क्या डिफरेंस होता है। तो आगे सिग्नल एंड सिस्टम में जब हम ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी यूज करते हैं वहाँ पर इस चीज़ का यूज़ होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।